नमस्कार, लोकसौ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी से जुड़े मुख्यमंत्री, कहा सरकार की छवि बनाने में दोनों पदों की है बड़ी भूमिका। टेशू के फूल से जंगल हुआ सुर्ख, दहन से पहले होली का बढ़ने लगा आकार। और जिलों में हो रहा सीनियर T20 के लिए खिलाड़ियों का चयन, जिला क्रिकेट संघ की है पैनी नजर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को प्रदेश के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन की योजना और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। सीएम ने कलेक्टर और एसपी के कार्यों से सरकार की छवि बनने और बिगड़ने की बात कही, इसलिए उन्होंने सभी को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। अन्नदाता किसानों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, इसका ध्यान रखने कहा गया। बस्तर में स्थापित सुरक्षा कैंप की छवि लोगों के बीच सुविधा कैंप के रूप में होनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राजस्व अधिकारियों को काम टालने की प्रवृत्ति से बाज आने को कहा। समय पर दफ्तर पहुंचने के साथ ही DMF फंड के दुरुपयोग को रोकने भी कहा। बिलासपुर के सामाजिक संगठन लगातार जनहित और लोकहित में विधिक कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को एक ऐसी पहल की गई जिससे बहुआयामी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन दिनों शादी पार्टी हो या फिर भंडारा, हर जगह प्लास्टिक और अन्य कचरा फैल जाता है, जिसे देखते हुए बिलासपुर के सामाजिक संगठन विश्व धारम जन कल्याण सेवा समिति ने अनूठी पहल की है। बर्तन बैंक की स्थापना की गई है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो और लोगों को निःशुल्क बर्तन अपने सामाजिक कार्यों के लिए मिल सके। ज्वाली नाला पर बनाए गए सड़क पर लगी रेलिंग से पाइप चोरी हो रहा है। जहां नगर निगम प्रशासन ने सड़क के दोनों तरफ लोहे की रेलिंग लगाई थी, उस पर असामाजिक तत्वों की नजर पड़ गई है। इसी तरह शहर के कई चौक चौराहों से भी रेलिंग की चोरी हो रही है। पूर्व में नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन जाँच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होने के कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं और अपने कार्यों को वे बखूबी अंजाम दिए जा रहे हैं। बसंत ऋतु के बीतने और होलिका पर्व के नजदीक आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में पलाश के फूल चारों ओर दिखाई देने लगे हैं। पेड़ों पर पलाश के फूलों की बहार छाई हुई है, जिससे वातावरण का सौंदर्य बढ़ गया है। शहर के कुछ इलाकों में आज भी बसंत पंचमी के दिन डांग गाड़कर पूजा करके होलिका दहन की तैयारी की जाती है। होलिका दहन की तैयारी भी कई जगहों में पूरी कर ली गई है। बसंत पंचमी पर विद्या की देवी सरस्वती का पूजन करने की परंपरा है। वहीं इस दिन से होली पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। जिस जगह पर होलिका दहन करना होता है, वहां एकत्र सूखी झाड़ियां, लकड़ी, कंडे ये संदेश देते हैं कि होली करीब है और इस जगह पर ही होली जलाई जाएगी। शहर के ज्यादातर जगहों पर पेड़ गाड़कर लकड़ियां एकत्रित कर ली गई है। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, लकड़ियों का ढेर ऊंचा हो रहा है और होलिका अपना आकार लेने लगी है। इसके साथ ही सड़क किनारे, कॉलोनी, गली मोहल्लों में लगे पलाश के पेड़ों पर फूलों ने सड़कों की रौनक बढ़ा दी है। पलाश के फूल, पत्ते, लकड़ी स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे कई रोग दूर होते हैं। टेसू के फूलों से होली के रंग बनाए जाते हैं। आमतौर पर वसंत ऋतु के समय ये फूल खिलने लगते हैं। होली के आसपास पेड़ों पर चमचमाते ये फूल अपने पूरे शबाब पर होते हैं। इससे जंगल की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। हालांकि रंग उत्सव मनाए जाने में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन प्रकृति ने इसकी तैयारी वसंत ऋतु के आगमन के साथ कर दी है। ग्रामीण क्षेत्र में टेसू के फूल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज भले ही हमें केमिकल युक्त रंग गुलाल से होली खेलनी पड़ती है, लेकिन एक समय था जब पलाश के फूल और प्राकृतिक रंगों से होली खेली जाती थी। शहर के आसपास खिले टेसू के फूल चमक बिखेरने लगे हैं। लोकसौ टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बसंत के अंत में मौसम में बड़ी गर्माहट से पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे हैं। इस मौसम में जहां सर्दी का मौसम समापन पर है, वहीं दिन में गर्मी बढ़ती जा रही है, जबकि रात के समय अभी भी थोड़ी ठंड का एहसास हो रहा है।
रात के समय में अभी भी सर्द हवाएं चलती हैं। दिन इसके बिल्कुल विपरीत है। कतार में खड़े पेड़ों से पत्ते झड़कर जमीन पर गिरकर मौसम बदलाव का संदेश दे रहे हैं। होली पर्व पर सिकंदराबाद दरभंगा मार्ग की ट्रेनों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस एक फेरे के लिए चलने वाली ट्रेन सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए 21 मार्च को और दरभंगा सिकंदराबाद होली स्पेशल दरभंगा से 23 मार्च को रवाना होगी। रेलवे ने इस ट्रेन का परिचालन समय भी घोषित किया है। इसके तहत सिकंदराबाद से ट्रेन शाम 7 बजे छूटकर काजीपेट, पेदपल्ली जंक्शन, रामगुंडम, मंचेरियाल, बल्लामपल्ली, सिरपुर, कागजनगर, बल्लार शाह होते हुए नागपुर गोंदिया सुबह 9:25 पर, दुर्ग 10:05 रायपुर और दोपहर 12 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे का मानना है कि इस ट्रेन के परिचालन से लोग त्यौहार में अपने घर पहुंच सकते हैं। अभी तो केवल एक रूट पर होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, कुछ और रेल मार्गों पर इसे दोहराने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा सीनियर T20 इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता का आयोजन 18 मार्च से किया जाएगा। टीम का हिस्सा बनने 50 से ज्यादा खिलाड़ियों ने ट्रायल में भाग लिया है। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में खिलाड़ी पसीना बहाते देखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के निर्देश पर सभी जिलों में सीनियर T20 ट्रायल लिया जा रहा है। यहाँ राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में 52 क्रिकेटर ट्रायल में शामिल किए गए हैं। मौजूद तीनों सेलेक्टर बैटिंग बॉलिंग के तकनीकी पक्ष पर निगाह बनाए हुए थे। मजबूत टीम बनाने खिलाड़ियों के स्टेमिना पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे क्रीज पर और फील्डिंग के दौरान वो जीत की कसौटी पर खरे उतर सके। चयनित 32 खिलाड़ियों की रेड और ब्लू दो टीमें इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता में बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करेगी। जिला स्तर पर ट्रायल्स हो रहे हैं, इसके बाद इनकी एक टीम बनेगी 16 की और उसके बाद इनका मैच होगा और उससे फिर T20 मुश्ताक अली की रणजी ट्रॉफी की टीम बनेगी। उसी का ही प्रोसेस है, अभी ये प्लेट ग्रुप का प्रोसेस है और एलिट के भी ट्रायल्स इसी में ही हो जा रहे हैं और दोनों टीम इसी से ही निकल जाएगी। जो संभावित लड़के हैं 30, 35, 40 जो भी निकालेंगे सेलेक्टर, उसके बाद इनके आपस में मैचेस होंगे। दो टीम बनेगी, जो एक प्लेट ग्रुप खेलेगी और एक एलिट ग्रुप खेलेगी और उसके हिसाब से ही टीम लड़के निकलेंगे। फिर इनके आपस में मैचेस होंगे, फिर ये उनसे फिर या वहां पर कंपटीशन फेस में मैच खेलेंगे। बिलासपुर क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सचिव विंटेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में ट्रायल लिया गया। सेलेक्टर शैलेश सैमुअल, अभ्युदय कांत सिंह, ओपी यादव सभी रणजी प्लेयर रह चुके हैं। अभी वे अंडर-19 के कोच भी हैं। उनका कहना है खेल में मानसिक तनाव घातक हो सकता है, बेहतर है इससे निपटा जाए। टैलेंट की कमी बिलासपुर में मैं जब से खेल रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कि कभी नहीं रही है। और जहाँ तक टेक्निकली इशू वाले बात अपन करते हैं तो टेक्निकली ये है कि टेक्निकली बच्चे बहुत साउंड है, बस उनको किस तरह से निखारा जा रहा है हम उसी पे वर्क कर रहे हैं। क्रिकेट संघ है बिलासपुर का, वो इनके क्षेत्र रक्षण और बॉलिंग और क्रिकेटिंग स्किल्स पे वर्क करना चाह रहा है और ये कितने मेंटल टफ हो सकते हैं हम उस पे वर्क कर रहे हैं अभी। मैदान में पसीना बहाते युवाओं का अगला लक्ष्य रणजी ट्रॉफी खेलना है। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम का सदस्य बनना सभी का ख्वाब है। इनके सपने पूरा करने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ इन आयोजनों के माध्यम से क्रिकेट जगत के नए चेहरे तैयार करता है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, बिलासपुर यूथ क्लब, बिलासपुर मेडिको स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में पिछले 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी 12 मार्च को SBR कॉलेज मैदान में इस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर प्रिंस भाटिया रहे। अध्यक्षता छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने की। छत्तीसगढ़ से 48 राजपत्रित अधिकारियों की टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही है। 23 मार्च तक चलने वाली इस स्पर्धा में रोजाना यहां 4 मैच खेले जाएंगे। बल्कि विधानसभा में भी और आज
जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो लोग सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ में जो ऐसे संघ हैं जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट से मान्यता प्राप्त हैं उन सारे संघ के भी प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। पहला वर्ष हमने सकरी में कराया था, तब हमारे पास 24 टीमें आई थी जो बिलासपुर ज़िले और आसपास की थी। इस वर्ष हम जब करा रहे हैं दूसरा वर्ष, इस वर्ष हमारे पास 48 टीमें आई हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थान जैसे जसपुर से, अंबिकापुर से और रायपुर से सब 48 टीमें हमारे पास आई हैं, सारे शासकीय कर्मचारी के लोग हैं। अर्पण नदी बिलासपुर की जीवन रेखा है, दो दशक से इसकी स्थिति खराब होती जा रही है। जिला प्रशासन इसे बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब भी नदी में शहर भर के नालों से दूषित पानी पहुँच रहा है। यह पानी देवरी खुर्द एनीकट में जमा हो रहा है जिसके चलते देवरी खुर्द से दयालबंद पुल तक लबालब पानी नजर आता है, मगर पानी की जगह इसमें इन दिनों केवल जलकुंभी ही दिखाई दे रही है। अर्पा संवर्धन के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं लेकिन इसका असर अब तक नदी में नजर नहीं दिखाई दे रहा है। एनीकट का क्षेत्र भी अब जलकुंभी से पट गया है। इसी तरह नदी के अलग अलग हिस्सों में जलकुंभी बढ़ता दिखाई दे रहा है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी से जुड़े मुख्यमंत्री, कहा सरकार की छवि बनाने में दोनों पदों की है बड़ी भूमिका। टेशु के फूल से जंगल हुआ सुर्ख, दहन से पहले होली का बढ़ने लगा आकार। और जिलों में हो रहा सीनियर T20 के लिए खिलाड़ियों का चयन, जिला क्रिकेट संघ की है पैनी नजर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक है माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ वेकेंसिया, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कंपटीशन कम्युनिटी का ऑफर शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए वरदान से कम नहीं है। इस साल बड़ी संख्या में वैकेंसी के लिए संस्थान सभी तरह के कोचिंग पर सीधे 50% की छूट दे रहा है। पंजीयन के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस साल छत्तीसगढ़ में बंपर वैकेंसी निकलेगी, इसमें कुछ के लिए आधिकारिक सूचना जारी भी कर दी है। इस समय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कैरियर गाइडेंस की सख्त जरूरत है, खासकर कम खर्च में बेहतर रिजल्ट की मांग सबसे अधिक है। ऐसे समय में कंपटीशन कम्युनिटी का ऑफर बेरोजगार युवाओं को उनके सपने पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। प्रदेश के चार बड़े शहरों में संचालित कॉम्पिटिशन कम्युनिटी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए 50% तक छूट दे रहा है, जिसमें CGPSC, व्यापम, बैंकिंग समेत इस वर्ष सरकारी नौकरी के लिए मिलने वाले सभी अवसर शामिल हैं। कंपटीशन कम्युनिटी 13 मार्च से लेकर 17 मार्च तक बिगेस्ट डिस्काउंट, अब फ्लैट 50% का डिस्काउंट विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे चारों सेंटर्स में, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, फ्लैट 50% का कोर्सेज में डिस्काउंट दे रहा है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। यह कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज में ये डिस्काउंट चल रहा है तो CGPSC प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड, व्यापम, हॉस्टल वार्डन प्लस शिक्षक भर्ती, SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड सिविल जज, सभी कोर्सेज में फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, फिर वो चाहे आपके ऑनलाइन कोर्सेज हों चाहे ऑफलाइन कोर्सेज हों। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बेस्ट फैकल्टी का मार्गदर्शन, नोट्स की सुविधा आदि फीस में ये ऑफर युवाओं से सिर्फ एक कदम दूर है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम प्रशासन ने बिलासा चौक के पास सड़क के बीचों बीच डिवाइडर का निर्माण कराया था,
जिसे आसपास के व्यापारियों ने अपना सुरक्षित पार्किंग बना लिया है, जिसकी वजह से यहां हर पल जाम की स्थिति बनती है। डिवाइडर के दोनों तरफ गाड़ियों के खड़े किए जाने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। यहां यातायात पुलिस भी मौजूद रहती, लेकिन नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से यहाँ के व्यापारियों के हौसले बुलंद हैं, जो रोजाना यहाँ अपनी वाहनों को खड़ी कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है, ताकि इस मार्ग से आने वाले लोगों को जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े। सोनिचरी रपटा के पास संचालित दुकानों से निकलने वाला कचरा अरपा नदी में फेंका जा रहा है, जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। नदी में ठहरे पानी में कचरा फेंक दिए जाने से बदबू आती है, वहीं आसपास के क्षेत्र का गंदा पानी भी नदी में समाहित हो रहा है। नदी प्रदूषित हो चुका है, जरूरत है नदी के आसपास बड़े बड़े कंटेनर रखवाने की, ताकि लोग उसमें कचरा डालें, इससे अर्पण नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के सामने गंदगी पसरी हुई है। नियमित तौर पर सफाई नहीं होने के कारण यहाँ के ऐसे हालात बने हुए हैं। जब शासकीय कार्यालय के पास ये हाल है, तो शहर की साफ सफाई का अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। नगर निगम प्रशासन हर महीने करोड़ों रुपए साफ सफाई के पीछे खर्च करती है, लेकिन कागजों में हो रही साफ सफाई के कारण जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। नगर निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। साफ सफाई का ठेका लेने वाली कंपनी भी अपने मन मुताबिक काम कर रही है, जिसकी वजह से नियमित तौर पर साफ सफाई नहीं हो रही है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।